चूज किया? यार मैंने चूज नहीं किया, मुझे मिला है। और जो हमारे डायरेक्टर हैं मिलाप जवेरी, उनके साथ मैं पहले भी काम कर चुका हूँ, और तब उनके साथ काम करते हुए उनको लगा कि भाई ये तो अच्छा एक्टर है, इंसान अच्छा है। तो जब वो फिल्म कर रहे थे तो उन्होंने कहा यार इस अच्छे एक्टर को बुलाओ, इस अच्छे इंसान को बुलाओ और कुछ मैजिक क्रिएट करते हैं। क्योंकि उन्होंने जो कैरेक्टर इतना प्यारा लिखा हुआ था, तो उन्होंने जो कैरेक्टर इतना प्यारा लिखा हुआ था, उनको कहीं लगा कि बॉस ऐसा है कि मुझे कुछ नई एनर्जी चाहिए, कुछ नयापन चाहिए। और क्योंकि मैं राजेश के साथ काम कर चुका हूँ, वो शायद इस कैरेक्टर को मतलब अच्छी तरह निभा पाएगा। तो इस प्रकार से मेरी कास्टिंग हुई है। सर आपके रोल के बारे में बात करें तो कि नेगेटिव कॉप का रोल प्ले कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं हम जब कॉप को देखते हैं या सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव न्यूज़ में भी आते हैं कि मतलब ये कॉप सही नहीं कर रहे, तो आपके इस फिल्म के किरदार में लोगों पे कितना बड़ा छाप छोड़ेगा? देखो लोग तो मुझसे नफरत करेंगे, क्योंकि मैं वाकई में बहुत ही गंदा पेश आ रहा हूँ एज अ बैड कॉप, बहुत ही नीच पेश आ रहा हूँ। ऊपर से मेरे डायलॉग्स इतने हार्ड हिटिंग डायलॉग्स हैं कि जनता बोलेगी ये क्या बकवास क्या कर रहे हैं। और फिर वो बाद में जो पिटता है जॉन से, फिर जनता बोली अबे साला इसको मार ही डालो, इतना गंदा इंसान है, इसका ही हैज़ नो राइट टू लिव ओनली। तो ऑडियंस मेरे को हेट भी करेगी और मेरे को सराहेगी भी, क्योंकि मैंने काम अच्छा किया। सो जब वो ऑडिटोरियम से बाहर निकलेगी, थिएटर से बाहर निकलेगी, तो मेरे कैरेक्टर को डेफिनेटली याद करिए, भाई यार वो साला क्या कैरेक्टर था उसने, मतलब। और द बेस्ट पार्ट इज़ कि बहुत अच्छा किया उसने यार, बहुत मज़ा आया। हालांकि बुरा कैरेक्टर है लेकिन बहुत अच्छी तरह निभाया उसने, तो तारीफ होनी चाहिए। पर्सनली अगर आपको कोई रोल प्ले करना है तो फिर लाइक नेगेटिव रोल ही चूज करना चाहिए या कोई पॉजिटिव, क्योंकि हर कोई नेगेटिव रोल में अपना एक पहचान नहीं बनाना चाहता, तो आपका क्या पॉइंट है इसमें? देखो यार मैं 22 साल से टेलीविजन करता आ रहा हूँ, मैंने बहुत सारा काम किया है, नेगेटिव भी किया है, पॉजिटिव भी किया है। जैसी जैसी कोई मैं एक गे कैरेक्टर का भी रोल निभाया है मैंने। ये कॉमेडी करने के मौके कम मिले हैं, लेकिन जब भी मिले हैं बखूबी निभाया है और अव्वल नंबर से हम पास हुए हैं। तो अपने आप को मैं कंप्लीट एक्टर समझता हूँ, जो हर किस्म की एक्टिंग कर सकता है। और ऐसा नहीं कि बस सिर्फ मेरे को नेगेटिव ही करना है। अभी मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं अपने रोल्स चूज़ कर पाऊँ, जब उस पोजीशन में पहुँच जाऊँगा तब वो स्ट्रैटेजी खेलेंगे कि बहुत अब नेगेटिव करना है या पॉजिटिव करना है या क्या करना है। सर आपकी फिल्म के बारे में बात करें सत्यमेव जयते, इसमें जॉन के साथ आपका लाइक आमना सामना हुआ है, तो ऐसी कौन सी एक यादगार ऐसी चीज़ हो आपकी शूटिंग के दौरान जो आप भूल नहीं पाए, ऐसा कोई सीन हो जो आपको बहुत तगड़ा कुछ मिला हो, इम्पैक्ट कुछ मिला हो जॉन के साथ? देखिए ये जो कैरेक्टर है, इट इज़ माय बेस्ट रोल इन सो मेनी इयर्स। अगर मैं कहूँ 22-23 साल में इतना पावरफुल रोल मुझे मिला ही नहीं है। अपने आप को मैं किस्मत वाला समझता हूँ कि मिलाप ने मेरे को ये कैरेक्टर करने को दिया, क्योंकि अब मतलब ऐसी एक चीज़ निकालना इतना मुश्किल है, क्योंकि वो रोल पूरा ही बहुत लाजवाब रोल है। जब आप फिल्म देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसी एक चीज़ निकालना बहुत मुश्किल है यहाँ पे। आपका और जॉन का जो ट्यूनिंग था आपके फिल्म शूट के दौरान, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि कैसे था आपका जॉन के साथ जो ट्यूनिंग थी आपके दोनों की? ऐसी कुछ ट्यूनिंग इज़ अ रॉन्ग वर्ड। हमारी एक फाइट सीक्वेंस होती है, एक पूरा एक दिन वो फाइट चली, बहुत मार खाया मैंने, मार खाई। मैं साउथ के फाइट मास्टर हैं, उन्होंने बेहतरीन कोरियोग्राफी की
और मैं जब रात को लौट के आया तो मैं मर गया था एक किस्म से, इतना मेरे को मारा, यहाँ फेंका, वहाँ उठा के, मतलब एक एक मसल मेरा। तो रात को बहुत अच्छा सोया मैं। तो बेसिकली अगर अच्छा सोना है आपको तो भाई मार खा लो। तो जॉन अभी ही इज अ ट्रेंड, ही हैज बीन डूइंग फाइट सीन्स फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, उसके लिए एक्शन मामूली सी बात है। हम लोग एक्शन बहुत कम करते हैं टेलीविजन में, मौका हमें कम मिलता है। पर टच वुड मैं भी कम नहीं था, सिर्फ मार खाइए मैंने, हाँ मतलब सवाल ही नहीं उठता है कि मैं जॉन को मार पाऊँ। मतलब फिजिकली भी कंपेयर करो तो भाई जोक हो जाएगा। एंड सेकेंडली अब मैं बुरा हूँ, अच्छा है तो बुरा तो अच्छे को मार ही नहीं सकता, सीधी बात है, वो भी बात है। तो जॉन वॉज वेरी केयरफुल कि भाई ऐसा ना हो कि बाई चांस कहीं लग जाए, क्योंकि उसका हाथ बहुत भारी है, अगर लग जाए तो फिर सीधा अस्पताल ही पहुंच सकता है इंसान। तो उस वो एक किस्म की ट्यूनिंग थी कि भाई मैं तुझे प्यार से मारूंगा, ऐसा कह सकते हो। सर 15 अगस्त को फिल्म रिलीज हो रही है, तो दर्शकों के लिए क्या आप कहना चाहेंगे कि ये क्यों फिल्म देखें, क्या ऐसी खास बात है इस फिल्म में? स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त को, सत्यमेव जयते का मतलब क्या है, सत्य की जीत, और इंडिपेंडेंस डे मतलब वो भी एक किस्म से सत्य की जीत थी। हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो लड़ रहे थे, देश के लिए लड़ रहे थे, आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, एक सच्चाई के लिए लड़ रहे थे। तो एक जुनून है ये, और थोड़ा सा बहुत भावुक दिवस है 15 अगस्त, सत्य जीत, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस कुछ ऐसा देखना चाहती है कि भावुकता, वो भावुकता में बहना चाहती है। सोया सर आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि आप 15 अगस्त को किस तरह से आप खुद सेलिब्रेट करते हैं, आप स्वतंत्रता दिवस किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? बहुत ही कठिन सवाल पूछ लिया। हर किसी के लिए लाइक इंडिपेंडेंस डे एक मुहिम की तरह होता है कि कोई अपने एक नया मोटिवेशनल के थ्रू ले, आपके लिए किस तरह से सच बोलूं या ऐसी कैमरे के लिए कुछ बोलूं? सर आप जिस तरह से आप मनाते हो, आप जो फील करते हो वही आप बताइए। फिर तो मैं जवाब ही नहीं दूंगा। तो ऐसा है कि अब क्या है कि हम लोगों को, हम आम जनता को आदत हो गई है, ये जो हमें फ्रीडम जो मिली है इसका हम बहुत ही दुरुपयोग कर रहे हैं। जिन्होंने हमें फ्रीडम दिलाई है उनको हम भूल गए हैं, उन्होंने इतना किया हमारे देश के लिए, हमारे लिए आज जो हम आपके सामने बैठे हुए हैं, जो आज हमारा देश एक तरक्की की ओर बढ़ा हुआ है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन हम थोड़े से इस मामले में बहुत ही छोटे हैं। हम भारतीय, हम सारे बहुत छोटे इंसान हैं, हमने बहुत इसको फॉर ग्रांटेड ले लिया है फ्रीडम को। जब बॉर्डर पे कोई मरता है तो अरे यार अच्छा नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको फ्रीडम मिली है तो आप उसकी इज्जत करो ना यार। इज्जत का मतलब क्या है? एक अच्छे इंसान बनो, अच्छे कर्म करो, पड़ोसी की मदद करो, किसी को नुकसान ना पहुंचाओ। ये आम रोज़ाना आपको अखबार में पढ़ने को मिलता है, किसी मॉब किलिंग हो गई, कहीं किसी छोटे से शहर छोटे गांव में लिंचिंग हो गई, वो कल की अखबार में या आज के अखबार में आया है भाई कुछ 30 लोगों ने किसी की गाड़ी फोड़ दी। तो ये फ्रीडम का तो नाजायज़ फ़ायदा हो गया। तो मैं तो यही चाहूँगा कि भाई थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाएं हम, और ये कानून का डंडा थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग हो जाए।
तो वील बी अ बेटर प्लेस. इंडिया इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस, इट कैन बी अ बेटर प्लेस टू लिव इन. इस सोसाइटी में जो गंद है ना वो थोड़ा कम हो जाना चाहिए. और मेरी तो यही प्रार्थना है कि इस कि हम लोग थोड़ा सुधर जाएं, थोड़ा सा सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, समाज के बारे में सोचें, देश के बारे में सोचें. अब इससे ज़्यादा ज्ञान दूंगा तो फिर आप बोर हो जाओगे. जय हिंद. Thank you so much, sir.